नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उसका टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे कि एज पर प्राइस वो स्टॉक में हमें अभी क्या करना चाहिए और थोड़ा बहुत उसका हम लोग फंडामेंटल्स को भी चेक करेंगे। अभी ये स्टॉक का नाम है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड। अभी ये स्टॉक के बारे में ना मुझे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि सर ये स्टॉक ऑलमोस्ट 50% गिर गया है अभी, और अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर हमने ऑलरेडी कोई एक अपर प्राइस में खरीदा था तो क्या हमें होल्ड करना चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं जो हमें ये पूछ रहे हैं कि एग्जैक्टली ये स्टॉक में हुआ क्या था, तो आज हम लोग ये स्टॉक का पूरा एनालिसिस करेंगे और मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगा कि हम लोगों को ये क्या करना चाहिए। अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ या फिर अगर मैं एक ट्रेडर हूँ तो मैं ये स्टॉक में क्या करूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अभी तक ये स्टॉक में मेरी कोई भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है। शायद फ्यूचर में आने वाले टाइम में मैं इसमें कुछ होल्डिंग क्रिएट कर सकता हूं, बट ये डिसीजन मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो देखो, जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी मैंने वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट क्यों लगाया है, बिकॉज अगर आप लोगों को एक ओवरऑल आने वाले एक साल या दो साल का व्यू लेना है तो वीकली टाइम फ्रेम लगाना सबसे बेटर है। अभी यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि स्टॉक को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था ये लेवल्स के आसपास, उसके बाद स्टॉक ने, आप बोल सकते हो कि स्टॉक ने ये लेवल को ब्रेक किया और अच्छे खासे कंसोलिडेट करने के बाद ये स्टॉक में रैली हुई। अभी मैं और एक बात आप लोगों को बता दूं कि आप प्लीज ये चीज को ध्यान में रखिए कि आप कौन से स्टॉक के बारे में देख रहे हो और आप कौन से स्टॉक का एनालिसिस कर रहे हो और वो कंपनी स्पेसिफिकली क्या काम करती है। तो अभी ये मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड जो है ये बेसिकली पैथोलॉजी वाला काम करते हैं, मतलब ये लोग जो हमारा जो ब्लड सैंपल चेक का होता है और बहुत सारी जो हमारे बॉडी रिलेटेड चेकअप होते हैं उसके रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट ईयर में ये कंपनी ने ऑलमोस्ट, मतलब आप बोल सकते हो कि मार्च 2021 से ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा रिटर्न दिया और 1900 से आप बोल सकते हो कि 3700 तक गया। अगर मैं आप लोगों को कोविड के टाइम की बात करूं तो ये स्टॉक कोविड टाइम से भी अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है। तो अगर मैं सिर्फ कोविड टाइम से बात करूं तो ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 90-100% रिटर्न दे दिया है। बट अभी यहाँ पे ये बात समझने वाली ये बहुत ज़रूरी है कि ये स्टॉक कोविड में क्यों चला था। देखो, आप लोगों को भी पता है और मुझे भी पता है कि जब भी कोविड हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे थे और डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था, जो कोविड रिलेटेड टेस्ट थे उसके रिलेटेड बहुत सारी टेस्टिंग्स हो रही थी बहुत सारी जगहों पे, तो जो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड है, मतलब जो मेट्रोपोलिस के जो पैथोलॉजी थे, वहाँ पे बहुत सारे लोग जाके डेली बेसिस पे टेस्ट कराते थे। अभी मार्केट में हमारे यहाँ पे क्या होता है ना कि एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंटली बोली जाती है कि प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। अभी इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि 2020 अक्टूबर मंथ के टाइम पे इसका प्राइस था 1930 या 1940 का, इसने यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया और फिर अचानक से ये स्टॉक में एक अच्छी रैली आ गई और हम लोग ने ऑलमोस्ट 3700 तक ये प्राइस को जाते हुए देखा। अभी ये क्यों हुआ, बिकॉज मार्केट में सब लोगों को पता चल गया कि कोविड रिलेटेड टेस्ट जो है वो बहुत लोगों को करना ज़रूरी है और उसके रिलेटेड जो कंपनीज है उसमें एक अच्छी ग्रोथ आ सकती है आने वाले टाइम में। तो पिछले दो साल में ये कंपनीज ने, मतलब ऐसी कंपनीज ने बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं ये सारे टेस्ट को करके, और सिर्फ कोविड के नहीं, ये टाइम पे दूसरे टाइप्स के टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। बट जैसे अभी आप लोगों को पता है, अभी मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दैट इज़ 26 फरवरी, तो अभी ये टाइम पे मुंबई में मुश्किल से 1000 या 500 केसेस डेली बेसिस पे नए आ रहे हैं। तो अभी जो कोविड के नए केसेस आने का जो आप बोल सकते हो जो रेशियो है वो बहुत ही कम हो गया है, और अभी जो टेस्ट करने का जो नंबर ऑफ टेस्ट है वो भी बहुत कम हो गया है। तो अगेन ये चीज़ अभी हो रही है, बट ये स्टॉक गिरना शुरू हो गया है जनवरी 2022 से ही, मतलब जनवरी मंथ से ही गिरना शुरू हो गया। और अभी आप लोगों को और एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि ये स्टॉक इसलिए चल रहा था बिकॉज इसके टेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे थे और अभी टेस्ट कम हो रहे हैं, और शायद आने वाले टाइम में कोविड शायद हमारे यहाँ से गायब भी हो जाएगा, जैसे हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारी डेवलप कंट्री में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें खुल चुकी है। तो अभी यहाँ पे जो इसका फॉल का कारण है ना, वो सिंपल रीज़न है
कि कोविड का जाना और इसका फॉल आना, दैट इज वेरी बहुत ही मैच होता है, उसके कारण ये हुआ। जब तक हमारे इंडिया में कोविड था तब तक के स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया। और अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को बता सकता हूँ कि ये स्टॉक को 1950 से लेके 1900 का यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, कुछ हफ्तों तक ये स्टॉक ने कंसोलिडेट किया और फाइनली ये स्टॉक में एक अच्छा रन आ गया और वापस से ये स्टॉक अपने जो प्रीवियस इसका रेजिस्टेंस था यहाँ पे ये स्टॉक अभी सपोर्ट ले रहा है। तो देखो एज पर टेक्निकल एनालिसिस ये एक टाइप का रिटेस्ट है और आप अभी यहाँ पे देख सकते हो कि जब ये स्टॉक गिरा है तभी ये स्टॉक में वॉल्यूम भी हुआ है, तो अगेन दैट इज नॉट अ पॉजिटिव साइन। मतलब गिरने के टाइम पे अगर ज्यादा वॉल्यूम आता है तो इसका मतलब ये है कि शायद कोई बिग प्लेयर है जो माल बेच रहा है। तो अभी एज पर टेक्निकल वे मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि भाई इसको 1950 का एक रेजिस्टेंस था जो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो फेब्रुवरी 2022 के आसपास था, और वापस से वो रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट ये ले रहा है। मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ, मतलब आप बोल सकते हो कि ये बहुत ही बड़ा रीटेस्ट है। अभी ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड कि ये स्टॉक ऊपर से ऑलमोस्ट 50% गिर चुका है, तो ऐसा हो सकता है। अगर आप लोगों को याद होगा तो जब मार्च में कोविड के कारण मार्केट में बहुत बड़ा मतलब लोअर सर्किट लगे थे, वो टाइम पे रिलायंस ने भी बहुत बड़ा रीटेस्ट किया था, तो वो भी एक बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। तो देखो अगर मैं चार्ट के हिसाब से आप लोगों को बोलूं, अगर मैं नेकेड प्राइस एक्शन के हिसाब से आप लोगों को बोलूं, तो आप यहाँ पे 10-15% का रिस्क ले सकते हो और अभी 1982 का प्राइस चल रहा है, आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। इसका फर्स्ट टारगेट जो है वो यहाँ पे सिंपल है 2600 होगा, सेकेंड टारगेट इसका जो है वो 3000 होगा। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हो तो ये स्टॉक अभी एक बहुत ही अच्छी वैल्यू पे आप लोगों को मिल रहा है, बिकॉज हमारे यहाँ पे हम लोग ने देख लिया जब ये कोविड आया था तभी हमारी हेल्थ केयर सिस्टम कैसी है। तो आने वाले 10 साल में या 5 साल में हमारी हेल्थ केयर वाली सिस्टम्स जो है वो और डेवलप होगी, तो शायद हम लोगों को और अच्छी चीज़ें यहाँ पे ग्रोथ वाइज देखने मिल सकती है। तो वो हिसाब से आप लोगों को ये स्टॉक देखना चाहिए और रीटेस्ट भी है। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, ये स्टॉक के थोड़े फाइनेंशियल्स को देखेंगे। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका 10,000 करोड़ का ऑलमोस्ट मार्केट कैप है, इसका जो स्टॉक पी है वो 45 है और इसका जो इंडस्ट्री पी है वो 29 है। मतलब ये अभी स्टॉक पी से ज़्यादा चल रहा है, तो आप बोल सकते हो कि थोड़ा महंगा है। और आप अगर यहाँ पे इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू देखोगे ना तो ऑलमोस्ट 12 times, मतलब ये अपनी बुक वैल्यू से 12 times महंगा चल रहा है। ये बात ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसके P&Ls के इसमें जाता हूँ, देखते हैं ये स्टॉक ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट कैसा कर रहा है। तो अगर आप 2016 से देखोगे, ये जो नंबर्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये करोड़ में है। तो पहले 77 करोड़ था, फिर 102, फिर 104, फिर 120, 127, 183 और अभी 236। तो अगर आप इस हिसाब से देखोगे तो ये कंपनी में हमेशा अच्छा प्रॉफिट हुआ है और एक अच्छा ग्रोथ हुआ है। तो अगर आप ये हिसाब से देखोगे प्रॉफिट के बेसिस पे, तो ये कंपनी ने एक अच्छा ग्रोथ दिया है, इसका जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो भी अच्छा है। अभी हम लोग एक बार इसकी बैलेंस शीट देखते हैं। अगर आप इसके रिजर्व्स देखोगे तो ये रिजर्व्स कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं और अभी इसके अंदर थोड़े बहुत बोरोइंग्स भी इंक्रीज हुए हैं। बट अगर मैं रिजर्व्स के वर्सेस बोरोइंग्स को कंपेयर करूंगा तो ये कंपनी में कोई इशू नहीं है। तो अभी हम लोग और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं प्रमोटर्स के होल्डिंग के बारे में और FIS के होल्डिंग के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग इसमें सितंबर 2021 तक अच्छी थी, अभी रिसेंटली इसकी प्रमोटर होल्डिंग कुछ परसेंटेज से कम हुई है। बट आप यहाँ पे देखोगे तो FIS की जो होल्डिंग है वो इसमें बहुत अच्छी खासी थी और अभी रिसेंटली FIS की होल्डिंग इंक्रीज भी हुई है, तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। इवन इसमें जो DIS की होल्डिंग है वो भी पहले अच्छी थी, अभी इसमें थोड़ी बहुत होल्डिंग कम हो गई है, बट दैट इज़ ओके। हम लोग ये देख सकते हैं कि FIS और DIS ने अच्छा खासा ये स्टॉक को होल्ड करके रखा है। और अगर आप देखोगे पब्लिकली तो ये पब्लिक में इसके पास सिर्फ ओनली 9% है जो पब्लिकली लोग होल्ड कर रहे हैं। तो अगर मैं ये चीज़ को देखूँ तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि FIS और DIS की भी अच्छी खासी होल्डिंग है, इवन प्रमोटर्स आर होल्डिंग मोर देन इनफ क्वान्टिटी। अभी मेरा कंक्लूजन क्या है, क्या आप लोगों को करना चाहिए, क्या आप लोगों को ये स्टॉक बाय करना चाहिए, क्या आप लोगों को ये स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को एक बात बहुत ही क्लियरली बता देता हूँ, अगर आप सिर्फ 3 महीने के लिए या 4-5 महीने के लिए ये स्टॉक को खरीदने के लिए देख रहे हो तो मेरे हिसाब से इसमें आप लोगों को कुछ खास रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं मिलेगा। तो अगर आपका जो टाइम फ्रेम है वो 3 महीने से लेकर 6 महीने तक का ही है तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये स्टॉक खरीदना नहीं चाहिए, बिकॉज यहाँ पर आपका रिस्क ज़्यादा हो जाएगा और रिवॉर्ड कम हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि भाई हमने ऑलरेडी ऊपर के प्राइस में खरीदा था, फॉर एग्जाम्पल
3000 के प्राइस में खरीदा था या 2800 के प्राइस में खरीदा था, या बहुत अनलक्की लोग है जिसने 3500 के प्राइस में भी खरीदा था, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? देखो, पहले तो मैं आप लोगों को ये पूछूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो, 2 और 3 साल आप होल्ड कर सकते हो, 2-3 साल तक, तो आप लोगों को ये स्टॉक डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, बिकॉज फंडामेंटली ये स्टॉक खराब नहीं है। सिर्फ ये स्टॉक बहुत ज़्यादा चल चुका था क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ गई थी, और अभी गिरा है बिकॉज ये कोविड के केसेस बहुत ही ड्रास्टिकली कम हो गए हैं और शायद आने वाले टाइम में कोविड भी खत्म हो जाएगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो तो आप लोगों को होल्ड करना चाहिए, अदरवाइज आप लोगों को इसमें लॉस बुक करके किसी और अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अभी थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप लोगों के पास ये स्टॉक नहीं है और आप लोगों को खरीदना है फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस, तो मेरा आप लोगों को एक ही आंसर रहेगा कि डेफिनेटली आप लोगों को ये स्टॉक खरीदना चाहिए। अगर आप लोगों ने ये स्टॉक को अभी तक नहीं खरीदा था तो आप 1-2 साल के टाइम फ्रेम को लेकर चल सकते हो, और ये स्टॉक खरीदने के बाद आप लोगों को एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब अगर आप इसमें 10-15% तक का रिस्क ले रहे हो परचेज करने के लिए, तो आप लोगों को एटलीस्ट 30% से लेके 40% तक का रिवॉर्ड मिल सकता है ये स्टॉक में। तो ये था मेरा पूरा प्रॉपर एनालिसिस कि आप लोगों को मेट्रोपॉलिस हेल्थ केयर के रिलेटेड क्या करना चाहिए। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरा एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लगा है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम लोग मिलेंगे कोई ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।